हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बटर पनीर की सब्जी। बटर पनीर की सब्जी ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना खूबसूरत लग रहा है देखने में उतना ही टेस्टी भी बनता है। तो चलिए जान लेते हैं इसमें सामान क्या पड़ता है। सबसे पहले हमें लेना है 2 मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर हमें लाल ही लेना है। यहाँ मैंने हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च आप अपना जितना तीखा खाते उस हिसाब से ले लें। मैंने यह लाल मिर्च ऐड किया है और यहाँ पे मैंने लहसुन डाला है। तो इनको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई, उसमें हम ऑयल डालेंगे। हमारा जब गर्म हो जाए तो यहाँ मैंने गर्म मसाला डाला है। गर्म मसाला डालने के बाद हमें जीरा और हींग का फ़ौरन डालना है। उसके बाद हमें यूज़ करना है यहाँ पे तेज़पत्ता। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बारीक कटा हुआ प्याज। मीडियम साइज़ का मैंने 2 प्याज लिया है। उसे हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज हमें ज़्यादा नहीं जलाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे काजू लिया है। काजू को हमें गर्म पानी में थोड़ा देर छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो गया है, ये देखिए, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। इस टाइम मुझे डालना है यहाँ पे टमाटर का जो हमने प्यूरी बनाया था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें 5-7 मिनट तक पकाना है। याद रखिए फ्रेंड्स, फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, ज़्यादा इसे हाई नहीं करना है हमें, वरना ये प्याज और टमाटर का जो मिश्रण है ये जल जाएगा। इसमें हम नमक ऐड करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से लाल हो गया है। इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। पर फ्रेंड्स, मसाला तो हम ऐड करेंगे पर मम्मी स्टाइल में, जैसे हमारी मम्मी और दादी मसाला को यूज़ करती थी। पुराने ज़माने में तो सिलौटी में मसाला पीसते थे, बट फ्रेंड्स अब तो मिक्सी आ गई है ना, तो मैंने मसाला मम्मी स्टाइल में डाला। ये देखिए कैसे, एक कटोरी लेंगे, उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, यहाँ पर मैंने लाल तीखा मिर्च डाला है और हल्दी पाउडर। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे पानी डाल के। इसे हल्का गाढ़ा कर ही रखना है, ज़्यादा गीला नहीं करना, यानी कि ज़्यादा पानी डाल के हमें पतला नहीं बनाना है, हल्का गाढ़ा ही रहेगा ये मसाला। और फिर इसे हम उस प्याज और टमाटर के मसाले में ऐड कर देंगे। इसे हमें 5-7 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाला हमें हमारा उसमें मिक्स हो जाए। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। पनीर में हम हल्दी ऐड करेंगे और इसमें मैंने नमक थोड़ा सा ऐड किया है। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डाला है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक हमारा जो है वो पनीर के अंदर चले जाए। यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने बटर रखा है। बटर में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होता है कि बटर सटेगा नहीं कढ़ाई में, ये देखिए फ्रेंड्स। फिर हमें पनीर को इसमें हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करना है। फ्राई अच्छे से करिएगा ताकि उसका रंग अच्छे से, कलर अच्छे से आए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर गुलाबी होते जा रहा है ना, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो पनीर हमारा यहाँ लाल हो गया, इसे हम निकाल लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा पूरा अच्छी तरह से भून गया है। इसमें मैंने वो काजू का मिश्रण डाला जो हमने पीस के रखा था। बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनती है, ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला लग रहा है। थोड़ी कस्तूरी मेथी डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यह पानी ऐड किया है। पानी आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको ग्रेवी चाहिए। इसमें हम पनीर ऐड करेंगे और सबको मिक्स करने के बाद इसमें हम धनिया पत्ती स्प्रेड कर देंगे। यहाँ मैंने क्रीम यूज़ किया है फ्रेंड्स, 2 चम्मच मैंने यहाँ क्रीम ऐड किया है। रेस्टोरेंट में हमेशा वो बटर पनीर में क्रीम जरूर डालते हैं, आप भी जरूर डाला करिए। ये क्रीम से ही सब्जी हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से आप क्रीम डाल सकते हैं, जिस तरह से रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं उस तरह से आप इस क्रीम डाल के इस तरह से ही सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार आप घर पे बना के ज़रूर खाएं। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।